लड़ाई इस देश के दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की और उस समाज की है जिसको अवसर नहीं मिला। शिवानी जो बिग बॉस में गई है, आज उसके पहनावे को लेकर के मजाक बनाया जाता है, आज उसके बोलने को लेकर के मजाक बनाया जाता है, आज उसके चलने को लेकर के मजाक बनाया जाता है, तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि शिवानी जिस पृष्ठभूमि से गई है, जिस गांव देहात से निकल करके गई है, जहां तक पहुंचने के लिए शिवानी ने बहुत संघर्ष किया है, जिस जगह तक पहुंचने के लिए शिवानी ने मार खाई है, पिटाई खाई है, उसकी माँ ने, उसके परिवार ने, पूरे गांव ने शिवानी का विरोध किया है, उसके बाल उखाड़ लिए गए, उसको चाकू मार दिया गया, लेकिन वो अडिग रही और उसका फल ये हुआ कि शिवानी आज बिग बॉस का हिस्सा है। तो आप समझिए कि जिस मानसिकता के लोगों ने शिवानी का उसके गाँव में विरोध किया, अरे लड़की है, दलित है, और ये तो एक तो लड़की, वो भी बैकवर्ड इलाके की, रूरल एरिया की, वो भी दलित समाज से आती है, तो फिर डबल हो गया ना। और अब वही विरोध जो उसके गांव में था, वही विरोध बिग बॉस के घर में हो रहा है। घर में किस लेवल पर विरोध हो रहा है? आप देख रहे हैं, ये तो गवार है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसको पहनने की तमीज नहीं है, ये तो ऐसे चलती है, ये तो मिट्टी खा लेती है, ये तो ऐसा कर देती है, ये तो वैसा कर देती है। तो आप समझिए विचारधारा का टकराव है। आप शिवानी के पुराने वीडियो देखिए, उसमें शिवानी आपको साइकिल पर मिट्टी में गोबर चोपले बनाते हुए, मिट्टी में खेलते हुए, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए, उसके सैकड़ों वीडियो, हजारों रील मिल जाएगी। जो सिंपलिसिटी यहाँ पर थी, जो वही सिंपलिसिटी हम देखते हैं कि बिग बॉस के घर में, तो उनके घर में, मैं वही बता रहा हूँ आपको। शिवानी को मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत फैमिली रिलेशन है उस फैमिली के साथ में, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिवानी की मैं बहादुरी इस बात को समझता हूँ कि जिस चीज़ को लोग अपनी कमजोरी समझते हैं, अरे हमें इंग्लिश नहीं आती यार, हम कैसे सफ़र करेंगे, अरे यार हम तो, हम पे जींस नहीं है, हम पे पैंट नहीं है, हम पे तो कोट पैंट नहीं है, हम पे तो ये नहीं है, हम पे तो, जिस बहानेबाजी को, जिन जिनके हमारे हम जिसको जिस जिन जिन असुविधाओं को लोग बहाना बना करके अपने आप को साइडलाइन कर लेते हैं, शिवानी ने उन सुविधाओं को, उस उन जो उनके अंदर जिसको लोग कमी बताते हैं, उन कमियों को अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे लेकर के आई है, तब्दील कर दिया। और आज शिवानी है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि वो पहले राउंड में उसको बाहर करने की कोशिश क्यों गई, क्योंकि उनको पता है शिवानी की जो फैन फॉलोइंग, इस देश की आधी आबादी महिलाएं, वो सब शिवानी को लाइक करती हैं। उस देश के, इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आशिये पर पड़ा समाज सब शिवानी को लाइक करते हैं। तो उनको पता है कि इस घर की मजबूत जो प्रतियोगी है वो शिवानी है, और शिवानी 100% जीतेगी, इसलिए उसको हर बार निकाल देते हैं। लेकिन बाहर की जो ऑडियंस है, जिससे वो प्यार करते हैं, वो हमेशा उसको घर के अंदर वोटिंग के आधार पर जाती है। और निसंकोच आप ध्यान रखें, शिवानी से जो गेम है बिग बॉस का, उसको जीत करते हैं। जिस तरह से एंट्री हुई, हम पहली बार देखे कि कोई जो बिग बॉस होस्ट कर रहा था, अनिल कपूर साहब ने वो दिए थे, और शिवानी जी जो है कि यहाँ से गई, सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे पुष्प अर्पित किया। उसके बाद से तमाम जो बहुजन समाज के लोग, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी अगली वीडियो में वो लोग देख चुके हैं, वैसे लोग भी विरोध प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन होता क्या है कि मैं तो एक जगपाल सिंह सरोज का शेर है कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा रह जाना बेहतर है। तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों पर चर्चा करने से, जिस कल्चर पर चर्चा करने से, हमारे कल्चर का अपमान, जो लोग हमको अपमानित करते हो, हमें नीचा समझते हो, हम कहते हैं ये तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी संस्कृति तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी भाषा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा पहनावा तुम्हें मुबारक हो, हम जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हैं, ये सच्चाई है, इसको कोई छीन नहीं सकता। हम उसी पृष्ठभूमि से निकल करके यहाँ तक पहुँचे, महानगरों तक पहुँचे, और ये जो सिंपल सिटी शिवानी की है, जिसको लोग कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि गवा रही है, तो यही उसकी ताकत है। अगर शिवानी बिग बॉस में जाकर के स्विमिंग पूल में नहाते वक्त वैसे ही कपड़े पहनती जैसे तमाम लड़कियां पहनती थी, बिकनी वगैरह और छोटे शॉर्ट कपड़े पहनती, तो शिवानी नहीं। अगर वो भी अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती, तो शिवानी नहीं होती। शिवानी इसलिए शिवानी है क्योंकि शिवानी जैसी बाहर थी वैसी अंदर है, इसलिए शिवानी बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा, अब आपको लगता है कि जो बहुजन समाज के लड़के, पहले तो लड़के, अब लड़कियां भी इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि जो आप दूसरों को टक्कर दे रही हैं, कम्पटीट कर रही हैं, सिर्फ कम्पटीट ही नहीं कर रही हैं बल्कि जीत की ओर अग्रसर है, हर एक चीज फील्ड में हम देख सकते हैं। देखिए, क्वालिटी हमारे समाज में पहले से है, नो डाउट। आप मानते हैं? मैं 1000% मानता हूँ। फिल्मी दुनिया जब से बनी है, कोई भी क्रिकेट टीम जब से बनी है, चाहे क्रिकेट जब शुरुआत में क्रिकेटर बालू का आप इतिहास जब पढ़ेंगे, जो दलित समाज से आता था, जिनको बड़ा अपमान झेलना पड़ा, लेकिन होता है क्या, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट गेम का, स्पोर्ट का क्षेत्र हो,
हमारे लोगों को जब अपमानित किया जाता है एक वर्चस्व के लोगों ने, भाई 10 लोग वो खेल रहे हैं, 2 लोग हमारे, तो अपमानित किया जाता है, रोज टॉर्चर किया जाता है, तो या तो आदमी मैदान छोड़ कर भागेगा या सुसाइड करेगा, या उसको इतना अपमानित कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर सोचेगा यार रमेश को छोड़ो, बच्चों से मना कर दो, तुम अपना खाओ कमाओ जो मर्जी कर लो। तो ऐसा नहीं है, पूर्व में भी देखेंगे फिल्मी दुनिया में भगवान दादा है, टुनटुन है, सब दलित समाज से निकल करके आते हैं। उसके बाद में अभी देखेंगे तो चाहे कैलाश खैर जो हमारे गाजियाबाद के रहने वाले दलित समाज की चमार जाति जाटक जाति से आते हैं, वो देखो कितना बड़ा नाम है, फिल्मी दुनिया के गायक हैं, बहुत सारे लोग हैं, कैलाश मासूम जी हैं, तो बहुत सारे फिल्मी दुनिया में एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि जो दलित समाज से आता है और वो अब छुपके रहते हैं, छुपके नहीं रहते, अब खुल के रहते हैं और उनका लोग सम्मान भी करते हैं, तो वो है सारी चीज़ें। बैकफुट से कहीं ना कहीं फ्रंटफुट पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि लड़ने की हिम्मत जब मिल जाती है, जब पीछे बैकबोन हमारी मजबूत हो जाती है, हमको लगा है कि आज से 50-20 साल पहले आपको जाटा सरनेम के लोग नहीं मिलते थे, आज आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से यहाँ आपको हजारों आदमी लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो नाम के पीछे जाटव लिखते हैं, सूरज सिंह जाटव, फलाने सिंह जाटव, धमाके सिंह जाटव। तो ये क्या है, आज जिस चमार जाति को लोग टारगेट करके कहते थे कि अरे ये तो अपमानित शब्द है, अरे तो चमार है, इनमें से बदबू आती है, इनमें से घृणा आती है, जब आंदोलन हुआ तो ग्रेट चमार की टोपी लगा करके इसी जंतर मंतर पर लाखों लोग आए, बाद में उसी गाड़ियों पर ग्रेट चमार लग करके लोग जाने लगे, तो जिसको अपमानित कह करके हमारे सर पर थोपा गया उसको हमने सम्मानित बनाया, ये उपलब्धि। तो खैर पार्लियामेंट में भी चंद्रशेखर आजाद ने चमार रेजिमेंट की बात कर दिया, मैं बिग बॉस पे वापस आता हूँ, बिग बॉस में पहले भी अर्चना जी गई थी, वहाँ से आने के बाद से उस तरह का जो अग्रेसिवनेस होता है नहीं दिखाई देता है, इसके ऊपर क्या बोलें? देखिए अर्चना गौतम मेरठ की रहने वाली है और वो हिंदू बैकग्राउंड से आती है, जाति के आधार पर अगर उनको आप देखेंगे तो वो जाटव है नो डाउट, और मैंने उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू भी किया आधा घंटे का बिग बॉस से निकलने के बाद में, ये सच्चाई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो दलित है वो सिर्फ दलित नहीं, अम्बेडकरवादी भी है या नहीं, उनको दलित से कोई दिक्कत नहीं है, इस देश के सवर्ण समाज को, इस देश के जातिवादी लोगों को, इस देश के सामंती लोगों को दलित से कोई दिक्कत नहीं है, दलित अगर अम्बेडकरवादी है तो दिक्कत, तो दलित का अम्बेडकरवादी होना खतरनाक है, शिवानी का सिंपल सिटी के साथ साथ वो एक अम्बेडकरवादी है, इसलिए उसको समर्थन मिल रहा है, तमाम अम्बेडकरवादी लगे हुए हैं, वो गई 26 अलीपुर बाबा साहब के यहाँ मत्था टेक करके, जब भी अर्चना जी थी अम्बेडकरवादी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं थी, अगर अर्चना अम्बेडकरवादी होती तो मंदिर मंदिर धक्का थोड़ी खा रही होती, वो तो बिग बॉस से निकलने के बाद ही मंदिर मंदिर धक्का खा रही थी, ये सोचने वाली बात है, शिवानी बिग बॉस में गई तो बाबा साहब को नमन करके गई, बोले मेरे दोस्त क्या नाम सब कुछ, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मना मत करिएगा, उनके ऊपर बात हुई, 2 मिनट में आपके ऊपर बात करना चाहता हूँ, उनके जाने से पहले जितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, आपके ऊपर कितने सारे आरोप लगे, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं ट्विटर के माध्यम से कि मैं उसको मतलब यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ, उसके ऊपर क्या बोलूँ? देखिए आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, मेरे अंदर एक कमी है कि मैं समकालीन आलोचक हूँ, अगर मुझे लगेगा इस व्यक्ति के अंदर ये कमी है तो मैं बोलूँगा, वो चाहे मेरा बाप से। अब ये समकालीन आलोचक होने का मैं मुझे लग रहा भी इस आदमी की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो मैं बोलूँगा लोग आरोप लगाएं, गालियाँ दें, थाली भर के गालियाँ दें, तो मैं सच कहना थोड़ी बंद कर दूंगा, मेरा काम है सच बोलना। जिस दिन मैं MP MLA बनने की दौड़ में लग जाऊंगा, जिस दिन मैं भी सोचूंगा यार इस पार्टी की थोड़ी सी तारीफ कर दूं तो मुझे MP का टिकट मिल जाएगा, मैं शायद MP बन जाऊं, उस दिन मैं भी भाषा बदल लूंगा। अभी जो बात आप कह रहे हो कि लोगों ने मेरे लिए अपशब्द किया, ठीक है उनका अपना मानना है, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल के बाद में जब उनको समझ होगी कि नहीं यार उस समय पर राहुल नागपाल ठीक बोल रहा था तो वो मेरे समर्थन में खड़े हो गए। सोशल मीडिया अकाउंट खोला जाता था एक तरह से कंट्रोवर्सियल कैरेक्टर दिखाई देता है। ये तो देखो ना कि मैं देश के साथ पहला व्यक्ति हूँ जो सबसे ज्यादा गालियां मुझे मिलती है और सबसे ज्यादा समर्थक मेरे, तो ये 2 विचारधाराओं का टकराव है। अगर कबीर ने राजा के महल के सामने खड़े होकर के विरोध किया तो वो कबीर था, रोड पर खड़े होकर के बोलता था, कुछ कवि ऐसे भी थे जो राजा के महल में खड़े होकर के राजा के सम्मान में कविता सुनाते थे। तो राजा अगर आपको दरबारी कवि बनना है या आपको रोड का कभी कबीर बनना है, ये तय आपने करना, तो मैंने कबीर वाला रास्ता चुना है, मैंने दरबारी कवि होने का रास्ता नहीं चुना, मैं कबीर हूँ, कबीर का वंशज हूँ, मेरा मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वंशज हूँ, हमारा काम है व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, व्यवस्था को चैलेंज करना, और वो दिन आएंगे, ज्यादा बड़ी बात है, लोग जो कहेंगे वो कोई बहुत बड़ी। बिग बॉस से निकलने के बाद शिवानी को कहाँ देखते हैं, बॉलीवुड या कहीं और? अभी उसने फिल्म साइन की है, हाँ अक्टूबर में उस पर शूटिंग चल रही है, उसमें मेरा भी पत्रकार का रोल है, तो शिवानी जो है वो एज ए हीरोइन जो है राजपाल यादव के अपोजिट आ रही है, तो अक्टूबर में शूटिंग होगी क्योंकि बिग बॉस भी लगभग अक्टूबर तक चलेगा, तो उसके बाद में शूटिंग से गाने वगैरह शूट कर लिए गए हैं फिल्म के, तो निश्चित रूप से भाई इसके बाद में अगला पड़ाव जो है वो फिल्मी है और तो कुछ है नहीं, सीरियल है फिल्म है, तो वो करेगी, और गाँव में उसने एक बेहतरीन मकान बनाया देशी रूप में भी,
तो पहले उसका भी उद्घाटन करना है। अब आपने बोला कि फिल्म में मेरा भी एक कैरेक्टर है तो आप और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन जाएंगे, उनके कंधे पर अपनी बंदूक चला रहे हैं। नहीं, हम कंधा किसी का हो निशाना ठीक लगना चाहिए, कंधा मेरा हो इनका हो उनका हो किसी का हो, बंदूक मेरी होनी चाहिए, निशाना ठीक लगना चाहिए। निशाना ठीक लगेगा तो भविष्य में याद किए जाओगे, निशाना इधर उधर हो गया तो फिर याद नहीं किए जाओगे। मेरा बाप शेर से लड़ा, क्या हुआ मर गया तो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। मेरा बाप बराबरी वाले आदमी से लड़ा और जीता, वो मायने रखता। लास्ट में एक सवाल है, अगर शिवानी जी आपको लगता है जीत के आ जाएंगे? बिल्कुल 100% जीत जाएंगे, समाज का सपोर्ट, घर वालों ने पहले दिन से हरा रखा है, वो आज 15 दिन से बिग बॉस में है तो सिर्फ बाहर वालों के समर्थन से और निसंकोच वो बाहर वालों के समर्थन से ही वोट से जीत कर जाएंगे।